जीवनातील सुप्त कलागुणांना चालना देता यावी आणि त्यांना त्यांच्या मनातील भावना अनिर्बंधपणे कॅनव्हासवर व्यक्त करता याव्या म्हणून द आर्ट ऑफ शॉप या संस्थेने पुण्यातील अमनोरा टॉवर येथे पेंट युअर ड्रीमचं थर्ड एडिशन आयोजित केलं. या ओपन हॉल पेंटिंग वर्कशॉप मध्ये अनेक लहान मुलं आपल्या पालकांसोबत सहभागी झाले. हातात ब्रश आणि कलर पेंट घेऊन चिमुकल्या मुलांनी आपल्या मनातील भावविश्व कॅनव्हासवर वेगवेगळ्या रंगांच्या माध्यमातून चित्रित केलं. कोणत्याही मार्गदर्शनाशिवाय मुलांनी या वर्कशॉप मध्ये आपल्या मनातील शेकडो चित्र चित्रित केली. लहान मुलांच्या कलागुणांना चालना देण्यासाठी मागील 3 वर्षापासून मी अशा प्रकारे मोफत पेंटिंग वर्कशॉप आयोजित करत असते असं आयोजक तसेच विख्यात कलाकार पुनीता रंजन यांनी सांगितलं. आर्ट शुड बी फॉर एव्हरी वन. सबके लिए कला होना चाहिए, सबके लिए ओपन होना चाहिए. तो ये जो पेंटिंग एग्जिबिशन है ये मेरे स्टूडेंट्स का है, 25 बच्चों का है, एजेस फ्रॉम 3 onwards to 12. इनके 6 months का वर्क है एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट अंडर माई गाइडेंस एंड दिस वे आई वॉन्ट टू मोटिवेट. मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे से और लोग इंस्पायर हो एंड पेंटिंग करें, बिकॉज बच्चे जो हैं वो सबसे अच्छा कला कर सकते हैं, हम बड़ों से भी ज़्यादा. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर वो बहुत ही अच्छा डेवलप कर सकते हैं अपना पर्सनैलिटी, और पढ़ाई में भी उनको हेल्प होता है. ये कॉम्पिटिशन ही ओपन स्टूडियो है जहाँ बच्चे आकर पेंट करके जा रहे हैं, तो इनसे इनका अपना जो कला है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वो लोग पेंटिंग कर रहे हैं और फिर उनको मोटिवेशन मिल रहा है सीइंग द अदर चिल्ड्रेन दैट हाउ टू यू नो एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ट्रेनिंग मैं गाइडेंस देती हूँ, मेरा अपना स्टूडियो है, मैं गाइडेंस देती हूँ वहाँ पर, मेरा अपना पेंटिंग स्टूडियो है, वहाँ बच्चे आते हैं पेंटिंग करते हैं, अपनी मर्जी का पेंटिंग करते हैं और वो उससे उनको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलता है टू डेवलप देयर माइंड फॉर एवरी सब्जेक्ट. पार्टिसिपेट इन द ओपन स्टूडियो मुझे लगता है करीब 30-35 बच्चे अभी तक आ चुके हैं. या कार्यशाळेत मुलांना अनिर्बंधपणे कॅनव्हासवर पेंटिंग करता आल्याने मुलं देखील या कार्यशाळेत सहभागी होऊन खूप आनंदी झाले. मैंने आज एक सीनरी बनाया लैंडस्केप, उसमें रिवर था एंड इट वॉज ऑल अबाउट जैसे कि एक हम लोग माउंटेन से जा रहे हैं और उसमें बोट है और हमारे सारे साइड में पहाड़ है, वो सब मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने आज एक्चुअली एक बहुत अच्छी सी सीनरी बनाया है जिसमें 2 लड़की बैठ के झूला झूला रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आई कि मुझे जो अंदर फील हो रहा था मैंने बस उसको वो कैनवस में डाला, तो मुझे बहुत मज़ा आई कि ओपन है और हम कुछ भी अपना मन से ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने कैनवस में एक सीनरी किया है और फिर एक फुटबॉल मैच किया है और एक पिकासो वाला. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबने बहुत बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाए हैं, मैंने भी और मम्मा ने भी बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा लग रहा है. आपल्या पाल्याच्या मनात आणि हातात इतके कलागुण आहेत याची जाणीव या वर्कशॉपच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच पालकांना अनुभवता आले. ऍक्च्युअली मेरे 2 बच्चे हैं, इधर पेंटिंग इन्होंने 4 महीने से स्टार्ट किया सीखना, लेकिन मैडम ने उनको इतने अच्छी तरह सिखाया कि 4 महीने में इन्होंने इतना प्रोग्रेस किया और इतना अच्छा पेंटिंग डाला है. तो मैडम के अंदर बहुत कला है और वो बच्चों को भी बहुत सिखाते हैं और बच्चे भी बहुत सीख के, आप जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग डाले हैं इसमें, बहुत सारी पेंटिंग 4 महीनों में ही सीख के डाली है. हाँ, कैनवास के थ्रू उनके फीलिंग्स बाहर आती है. मुझे भी मेरे बच्चों का इतना टैलेंट है बोल के पता भी नहीं था. जब मैं ये पेंटिंग देख के मैं ही क्या चौंक गया था कि मेरी बेटी के पास इतना टैलेंट है क्या डालने के लिए, इतनी प्रोफेशनल पेंटर है क्या मेरी बेटी और मेरा बेटा. बिल्कुल, आई हैव 2 किड्स, ट्विंस, एंड दे रिसेंटली स्टार्टेड, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है वर्कशॉप में जाना. एंड जैसे मैंने उनमें चेंजेस देखे बिहेवियरल की, जैसे जो वो फील करते थे व्हेन दे कम बैक और दिखाते थे कि मम्मा हमने ये ड्रॉ किया, तो वो क्या सोच रहे हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. जैसे उन्होंने नाम भी दिया टीचर ने पेंट योर ड्रीम्स, तो डेट मीन्स बच्चे क्या सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करने का इससे अच्छा मीडियम नहीं है. एंड जैसा ये वर्कशॉप इन्होंने आज रखा तो बच्चों को इतना अच्छा लगा कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो बना रहे हैं वो कैसे सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए. बिल्कुल, एंड जितने लोगों को पता लगता है उनको आना चाहिए जिससे उनके बच्चे भी एनकरेज हो और उनके आसपास जहाँ पे भी उन्हें मिले पेंटिंग इज़ अ वेरी गुड मीडियम, उनको जरूर अपने बच्चों को इसके लिए लगाना चाहिए. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. पेंट युअर ड्रीम या वर्कशॉप मध्ये कोणतीही स्पर्धा नसल्याने लहान मुलांना या वर्कशॉपच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने पेंटिंग करण्याचा मनमुराद आनंद घेता आला. ब्युरो रिपोर्ट, नेशन 1 TV, पुणे.